संसद के शुरू होते ही दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होना तय था, लेकिन विपक्ष नीट पर चर्चा करने की मांग कर रहा था। राहुल स्पीकर से इस पर चर्चा कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन तभी कांग्रेस सांसदों ने आरोप लगाया कि राहुल का माइक स्विच ऑफ कर दिया गया है। हालांकि लोकसभा स्पीकर ने सफाई दी कि माइक बंद करने का इस तरह का कोई भी बटन उनके पास नहीं होता। उधर राज्यसभा में भी नीट पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा होता रहा, लिहाजा सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, लेकिन दोनों सदनों में नीट में कथित धांधली को लेकर जमकर हंगामा हुआ। 22 सांसदों ने दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव दिया था, और जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो नेता विपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर से स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करने की अपील की और नीट पर चर्चा की मांग की, लेकिन स्पीकर ने राहुल की मांग को ठुकरा दिया और संसद की मर्यादा की याद दिलाई। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम ज्वाइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए सुनिए, ज्वाइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा आपसे। जब राहुल लोकसभा में बोल रहे थे तो बीच बीच में उनकी आवाज गायब हो रही थी, तब विपक्ष ने स्पीकर पर माइक बंद करने का आरोप लगाया। सर माइक को दे दीजिए। मैं फिर आग्रह कर रहा हूँ। विपक्ष के माइक बंद करने वाले आरोपों पर स्पीकर ने सफाई दी। माइक मैं बंद नहीं करता हूँ, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। माइक मैं बंद नहीं करता हूँ, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। स्पीकर की सफाई के बाद भी माइक बंद करने के मसले पर विपक्ष ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। राहुल गांधी जी ने जिस रूप से शालीनता से उठाया और कहा कि इस पे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरे सदन का एक दृष्टिकोण बने, इस बात की मांग जब उन्होंने करी तो तुरंत उस उनके प्रस्ताव को न सिर्फ अस्वीकार किया गया, लेकिन उनके माइक को, वो जब बोल ही रहे थे तो माइक को स्विच ऑफ कर दिया। ये अच्छी परंपरा नहीं है। नेता विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, उसके बाद जो निर्णय उस पर लिया जाए, लेकिन उनकी बात के बीच में माइक स्विच ऑफ करना एक अच्छी संसदीय परंपरा नहीं है। सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन सदन को रोक करके सदन को चलने नहीं देने का जो रवैया अपनाया है ये कांग्रेस पार्टी ने सही नहीं किया है, और परंपरा को तोड़ने का जो काम कांग्रेस ने किया है मैं उसका खंडन करता हूं, और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, इसका भी मैं अपील करता हूं। लोकसभा ही नहीं बल्कि राज्यसभा में भी नीट पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा हुआ। विपक्ष की मांग पर पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने सरकार का बचाव किया और कहा कि सारा दोष सरकार पर नहीं मढ़ा जा सकता। So far the NEET examination is concerned, what has happened? Yes, I do agree. You can't fix the responsibility because there are thousands of examiners in the whole country. Is it so easy to fix the responsibility on an individual? The examination has, of course, it has gone wrong. And the government has taken the decision, it is the right decision. विपक्ष के इस हंगामे पर शिक्षा मंत्री ने भी पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार चर्चा क्यों नहीं करा रही है। आज तो जब मैं लोकसभा में था, जब प्रतिपक्ष उस विषय पे अपने बातों पे रहे, स्पीकर महोदय ने कहा कि तब आप चर्चा नहीं चाहते हो, हम तो आपको चर्चा करने के लिए अवसर दे रहे हैं, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है। जब आप चर्चा से भागते हो, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है, तो कंफ्यूजन किस बात की है? नीट एग्जामिनेशन के जो इतने बड़े घोटाले हो गए, पेपर लीक हो गया, बच्चे परेशान हैं, लाखों बच्चे परेशान हैं, तो इन लोगों का जो समस्या है
उसके तरफ ध्यान खींचने के लिए हमने स्पेसिफिक डिस्कशन मांगा। राष्ट्रपति अभिभाषण पे डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे हम, सिर्फ उनके जो स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं उसको उठाकर उनके सामने रखना चाहते थे। हालांकि नीट मुद्दे पर सरकार पहले ही जांच के आदेश दे चुकी है और कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। ऐसे में विपक्ष इस मांग पर क्यों अड़ा हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि नीट से लाखों छात्रों का भविष्य जुड़ा है और राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में इसका जिक्र किया है। लिहाजा धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान भी इस पर चर्चा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।